नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कमाल के ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की जो कि न्यूज चैनल्स, लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक गेम चेंजर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉस 3D एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर की। बहुत ही कमाल का ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। वॉस 3D एक्सप्रेस एक कटिंग एज 3D ग्राफिक्स और वर्चुअल सेट सॉफ्टवेयर है जो कि छोटे और मिड लेवल ब्रॉडकास्टर्स के लिए बनाया गया है। इसका इंटरफेस बेहद यूजर फ्रेंडली है। इसमें आप हाई क्वालिटी के टिकर्स, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, 3D ग्राफिक्स, टाइटल्स और एनिमेशन को लाइव शो में रियल टाइम में जोड़ सकते हो। तो चलिए जानते हैं बॉस 3D एक्सप्रेस की कुछ खास खूबियां। अगर आप अपने ग्राफिक्स खुद डिजाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे 2D या 3D जैसे ग्राफिक्स बनाना चाहें तो इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इन ग्राफिक्स को आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें टेम्पलेट बेस्ड वर्कफ्लो देखने को मिल जाता है। एक बार आपने अपने ग्राफिक्स यहाँ पर डिजाइन कर लिए तो उन ग्राफिक्स को आप एक टेम्पलेट के रूप में सेव करके रख सकते हो और जब भी आपको फ्यूचर में इन्हें इस्तेमाल करना हो तो बहुत आसानी से फास्ट तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बार बार ग्राफिक्स को डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन, लाइव डेटा जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज, इलेक्शन रिजल्ट, स्पोर्ट्स स्कोर को सीधे ऑन एयर UDT या डेटा एंट्री फॉर्म की मदद से आप रियल टाइम में अपडेट कर सकते हो। UDT बनाने का ट्यूटोरियल भी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इजी रनडाउन क्रिएशन, मल्टीपल सीन्स और ग्राफिक्स को लाइन से रन करना बेहद आसान है। इसके अलावा इसमें हमें NDI और SDI आउटपुट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जिससे आप आसानी से इसे अपने OBS स्टूडियो, VMIX या फिर किसी दूसरे प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हो और इसके आउटपुट को आप अपने ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर में लेके आ सकते हो। तो दोस्तों वॉस 3D एक्सप्रेस का ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कमाल का सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे, हाउ टू डाउनलोड। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको एक्सप्रेस पर क्लिक करना है, एक्सप्रेस डाउनलोड फ्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंपनी, ये सारी डिटेल भर देनी है और एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस वेबसाइट पर साइन इन कर लेना है। ये सॉफ्टवेयर अभी पूरी तरह से फ्री है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत सारे फ्री टेम्पलेट भी आपको इनकी लाइब्रेरी में मिल जाते हैं, वहां से आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को अपने PC पर इंस्टॉल कर लेना है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे PC पर डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आपको टेम्पलेट लाइब्रेरी से एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेना है। जहां से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था वहां पर आपको एक टेम्पलेट लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है जिसमें आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी टेम्पलेट आपको सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज या टिकर। तो यहां पर जो टेम्पलेट आपने सिलेक्ट किया है इस टेम्पलेट के टेक्स्ट और लोगो को कस्टमाइज कर लेना है। हर एक टेम्पलेट के साथ आपको एक इजी टू यूज डेटा एंट्री फॉर्म यहां पर देखने को मिल जाता है जिससे आप आसानी से इसके टेक्स्ट वगैरह को अपडेट करना हो, कस्टमाइज करना हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। टेक्स्ट और लोगो को कस्टमाइज करने के बाद अब आपको रन डाउन में ग्राफिक्स को ऐड करना है और एक सिंगल क्लिक में इसे लाइव कर देना है। इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको इनकी वेबसाइट पर एक्सप्रेस वाले पेज पर ही मिल जाएगा। वहां से जाकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख सकते हो, सीख सकते हो। ये प्रोसेस काफी स्मूथ और सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप इनके फोरम पर जाकर लिख सकते हो। का लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको काफी क्विक आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो बॉस 3D एक्सप्रेस का ये सॉफ्टवेयर काफी कमाल का सॉफ्टवेयर है। इसका कई जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे लोकल न्यूज चैनल है, अगर चुनाव कवरेज है या फिर स्पोर्ट्स स्कोर को अपडेट करना है वो काम आप कर सकते हो। अगर कोई भागवत कथा इस तरह का कोई आयोजन अगर आपको लाइव करना है वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। साथ ही साथ YouTube या Facebook पर जो आप लाइव
स्ट्रीमिंग कर रहे हो उसे प्रोफेशनल टच देने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो वॉस 3D एक्सप्रेस एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और इस समय ये पूरी तरह से फ्री है, आप इसे बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा वॉस 3D एक्सप्रेस का ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। अगर आप भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग या ब्रॉडकास्टिंग को एक प्रोफेशनल लुक देना चाहते हो तो आप वॉस 3D एक्सप्रेस के सॉफ्टवेयर को एक बार जरूर ट्राई करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।